गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम देखेंगे चैप्टर थर्टी ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम्स का पार्ट फाइव जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिसेलिनियस ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टिडल ट्रैक तो इसके पहले जो हमने चार पार्ट देखे थे जिसमें हमने एंटा एसिड्स इमिटिक्स एंड एंटी इमिटिक्स परगेटिव और इसके अलावा हमने एंटी डायरियल ड्रग्स को डिस्कस किया था इसके अलावा जो गैस्ट्रो इंडस्ट्रिनल ट्रैक पे काम करने वाले ड्रग है उसको आज हम डिस्कस करेंगे तो इसमें पहला आता है एपिटाइजर्स तो एपिटाइजर्स क्या होते हैं एपिटाइजर आर द एजेंट्स यूज टू स्टिमुलेट एपिटाइट तो ये ऐसे एजेंट्स और ड्रग्स होते हैं जो कि भूख बढ़ाने का और भूख को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं मीन्स कोई आदमी को भूख नहीं लगता है तो ऐसे कंडीशन में अगर हम ये एजेंट देते हैं तो उसे भूख लगने लगेगा तो ऐसा बहुत सारा कंडीशनस है जहाँ पे आदमी का भूख मर जाता है जैसा कि कोई बीमारी हो गया है या फिर कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है जिसके वजह से जो पेट है भरा भरा लगता है स्टमक में एम्प्टीनेस फील नहीं होता है और स्ट्रेस कंडीशन में भी भूख कभी लगता है कभी बहुत ज्यादा लगता है कभी बिल्कुल नहीं लगता है तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है जहां पे लॉस ऑफ एपिटाइट होता है मीन्स भूख मर जाती है और जब ऐसी भूख मर जाती है तो ऐसा कंडीशन में एपिटाइजर्स देते हैं जो कि भूख को बढ़ाने का काम करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं एपिटाइट को तो इसमें तीन टाइप के एजेंट्स आते हैं फर्स्ट आता है बीटर्स दूसरा अल्कोहल एंड थर्ड वन मिसेलिनियस कंपाउंड तो फर्स्ट हम देख लेते हैं बीटर्स क्या होते हैं दिस आर द एजेंट्स विच रिफ्लेक्सली इंक्रीज द फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड इंक्रीज द एपेटाइट। तो बीटर्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस के फ्लो को रिफ्लेक्सली बढ़ाते हैं मीन्स जब ये बीटर्स स्टमक तक पहुंचते हैं स्टमक में पहुंचने के बाद ये वहां के सेल को स्टिमुलेट करते हैं जिसके रिफ्लेक्स में स्टमक जो है गैस्ट्रिक जूस का फ्लो बढ़ा देता है और इसके वजह से भूख लगती है और एपिटाइट स्टिमुलेट होता है द इनटेक ऑफ सफ्ट विद बिटर टेस्ट स्टिमुलेट द टेस्ट बस् इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूस एंड इम्प्रूव एपीटाइट एंड डाइजेशन तो जैसा कि मैंने बोला कि जो बीटर सब्सटेंस होते हैं ये टेस्ट बर्ड जो हमारे टंग पे होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं जिसके वजह से जो सलाइवा है उसका सिक्रीशन बढ़ता है बाद में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ता है और ये दोनों के वजह से भूख भी बढ़ती है वो पेशेंट की इसके अलावा डाइजेशन जो है उसका बैलेंस जो बिगड़ गया है डाइजेशन का वो भी इंप्रूव होता है दे ऑल्सो इंक्रीज द मोर्टेलिटी ऑफ स्टमक तो ये जो बीटर सब्सटेंसेस है ये मोर्टेलिटी जो होता है स्टमक का लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन नहीं स्टमक ओनली स्टमक जो स्टमक होता है स्टमक का मोटेलिटी बढ़ाता है तो स्टमक का मोटेलिटी क्यों जरूरी है क्योंकि ये जो स्टमक है ये उसके अंदर जो फूड है एज वेल एज जो गैस्ट्रिक जूस है और जो भी हमने कंज्यूम किया है उसे आगे फॉरवर्ड करता है टूवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तो वहाँ पे फिर आपका जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स है मिनरल्स है वाटर है इसका एब्जॉर्बन होता है तो ये जो है बीटर सब्सटेंस ये स्टमक का मोटेलिटी भी बढ़ाते हैं जिसके वजह से स्टमक फास्ट एम्प्टी होता है और जिसके वजह से फिर से भूख लगती है तो मोस्ट कॉमनली यूज जो है बीटर्स में आते हैं जेंटियन क्वासिया चिराटा एंड नक्सवोमिका तो ये बीटर सब्सटेंस आते हैं तो नक्सवोमिका ऑलरेडी फार्माकोग्नोसी में होता है ये ड्रग तो ये बिटर इन नेचर होते हैं और ये जो है स्टमक की मोटेलिटी बढ़ाने का काम करते हैं जिसके वजह से स्टमक जल्दी से एम्प्टी होता है और भूख जल्दी लगती है दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ वाटरी इन्फ्यूजन और इन टिंचर फॉर्म तो ये जो है ये ड्रग जेंटियन क्वेसिया चिराटाइन नक्स ओमिका ये वाटरी इन्फ्यूजन फॉर्म में होते हैं या फिर टिंचर फॉर्म में होते हैं जो कि पेशेंट कंज्यूम करता है और कंज्यूम करने के बाद ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं एज ए एपिटाइजर तो इसमें चिराटा आईपी जो है ये बिटर प्रिपरेशन ऑफिशियल इंडियन फार्माकोपिया में है इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड कंपाउंड चिराटा इन्फ्यूजन आईपी भी ये भी ऑफिशियल फॉर्मूलेशन है जो कि इंडियन फार्माकोपिया में दिया हुआ है इसके बाद हम आते हैं सेकंड सॉरी सेकंड एपिटाइजर पे जिसका नाम है अल्कोहल इन स्मॉल क्वांटिटीज इट कैन इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बोथ रिफ्लेक्सली बाय स्टिमुलेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स एंड बाय डायरेक्ट एक्शन तो अल्कोहल अगर स्मॉल क्वांटिटी में कोई लेता है तो ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ाता है बाय रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन और टेस्ट बर्ड जो है टेस्ट बर्ड भी जो है इन्हें भी ये अल्कोहल स्टिमुलेट करता है जिसके वजह से सलाइवा सिक्रीशन होता है और फर्दर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन भी होता है या फिर अगर ये अल्कोहल डायरेक्टली स्टमक में चला गया तो वहां के जो सेल है स्टमक के सेल उन्हें भी ये स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ाने का काम करता है अगर इसका रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन कोई पेशेंट करता है इन हाई कॉन्सेंट्रेशन तो ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कर सकता है या फिर डिक्रीज इन एपिटाइट भी कर सकता है मीन्स इसे स्मॉल क्वांटिटी में अगर लेते हैं तो ये काम करेगा एज एपिटाइजर बट इसका हैबिचुएशन होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर पेशेंट इसको रिपीटेडली लेता है तो इसके वजह से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाएगा मीन्स एक्सिस सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड हो जाएगा जिसके वजह से डिस्कम्फर्ट फीलिंग होगा इसके अलावा वो पेशेंट की भूख भी जो है वो कम हो जाएगी तो जो उसका पर्पज है एज एपिटाइजर वो रिवर्स हो जाएगा और पेशेंट को जो भूख लगनी चाहिए थी वो फिर नहीं लगेगी इसके बाद आते हैं मिसेलिनियस ड्रग्स पे तो इसमें आते हैं इंसुलिन ऑन पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजेस गैस्ट्रिक सिक्रीशन बाय प्रोड्यूसिंग हाइपोग्लाइसीमिया तो इंसुलिन मोस्टली डायबिटिक पेशेंट को देते हैं और इसका अगर पेशेंट पैरेंट्रल कंजम्पशन करता है और वाया इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस और सबकटेनस रूट से इंसुलिन अगर देते हैं तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ाता है कैसा बढ़ाता है बाय प्रोड्यूसिंग हाइपोग्लाइसिमिया तो जैसा हमें पता है इंसुलिन हमारा बॉडी में नेचुरली पेनक्रियाज जो है वो सिक्रिट करती है जिसके वजह से हमारे बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है बट इन डायबिटिक कंडीशन इंसुलिन सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है या फिर कम हो जाता है ऐसे कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है टू कंट्रोल दैट ब्लड ग्लूकोज लेवल डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है तो इंसुलिन जो है ये भी जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ाने का काम करता है बाय प्रोड्यूसिंग हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ये जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड का इसको कम करेगा जिसके वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगा स्टमक में और अल्टीमेटली पेशेंट को भूख लगेगी तो जैसा आपने अभी मेरे पापा तो डायबिटिक है तो जब भी, भी वो इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन लेने के बाद अगर उन्हें थोड़ा देर हो गया खाना खाने में तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है ड्यू टू हाइपोग्लाइसेमिया तो ऐसा कंडीशन में उन्हें तभी का तभी खाना चाहिए अगर खाना नहीं मिला तो उन्हें हाइपोग्लाइसेमिया होने की वजह से अदर इश्यूज भी होते हैं उसके बाद विटामिन बी एंड एनाबोलिक स्टेराइड जो है इन्हें भी एपिटाइजर बोला जाता है अभी मिसिलिनियस ड्रग्स की सेकेंड कैटेगरी आती है डाइजेस्टेंट तो डायजेस्टेंट क्या है डाइजेस्टेंट्स आर द ड्रग विच इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक तो डाइजेस्टेंट ऐसे ड्रग होते हैं जो कि डाइजेशन का प्रोसेस को बढ़ाने का काम करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में इसमें आता है डाइल्यूट एच जैसा कि आपको पता है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन गैस्ट्रिक एसिड नथिंग बट एचसीएल तो डाइल्यूट एच ये एक्सटर्नली भी पेशेंट को दिया जाता है कौन से कंडीशन में दिया जाता है जो पेशेंट को हाइपोक्लोरोहाइड्रिया हुआ है और जिन्हें अक्लोरोहाइड्रिया होता है मीन्स कोई पेशेंट के स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन कम हो रहा है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन अपसेंट है ऐसे कंडीशन में डायलूट एच एक्सटर्नली देते हैं जिसके वजह से जो भी फूड वो पेशेंट ने खाया हुआ है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है तो हाइपोक्लोरोहाइड्रिया में क्या होता है कि स्टमक जो है ये हमेशा भरा भरा रहता है और एम्प्टीनेस का फीलिंग नहीं आता है क्यों नहीं आता है क्योंकि जो डाइजेस्ट करने वाला मटेरियल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो वहां पे कम होता है या फिर अपसेंट होता है इसके वजह से वो पेशेंट में जो है उसका स्टमक जो है हमेशा यानी उसमें फुलनेस महसूस होता है और वो भरा भरा ऐसा फीलिंग उसे आता है तो उसमें रिलीफ दिलाने के लिए ओरली डायलूट एच दिया जाता है जो कि एक्ट करता है एज अ डाइजेस्टेंट और जो भी स्टमक में मील है और जो भी फूड है उसे डाइजेस्ट करने का काम वो करता है उसके बाद पेप्सिन पेप्सिन भी ये डाइजेस्ट करके आता है तो ये प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है प्रोटीओलाइटिक एंजाइम मीन्स प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम जिसे हम पेप्सिन बोलेंगे इसे भी ओरली एडमिनिस्टर्ड करते हैं और इसका जो डोज है 0.5 टू 1 ग्राम होता है उसके बाद आता है पैनक्रियाटिन तो पैनक्रियाटिन जो है इसमें एंजाइम होते हैं लाइपेज, एंड ट्रिप्सिन और, और ये जो है ऑक्स के पैनक्रियास से मिलता है इट इज यूज एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी इन क्रोनिक पैनक्रियाटिस ठीक है सॉरी पैनक्रियाटाइटिस तो यह जो है पेनक्रियाटिन ये पेनक्रियाटिन तभी पेशेंट को देते हैं एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी जब उन्हें पेनक्रियाटाइटिस होता है पेनक्रियाटाइटिस में जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिन प्रॉपरली और पेनक्रियाटिन में जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें प्रॉपरली सीक्रेट नहीं कर पाता है इसलिए एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी ये पैनक्रियाटिन जो कि ऑप्टेंड होता है ऑक्स के पेनक्रियाज से वो दिया जाता है तो ये भी एक्ट करता है एज अ डाइजेस्टेंट ओरली दिया जाता है इन एंटरिक कोटेड कैप्सूल तो एंटरिक कोटेड कैप्सूल में पेनक्रियाटिन जो है ये दिया जाता है और जो कि काम करता है एज अ डाइजेस्टेंट उसके बाद आते हैं बाइल बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड्स तो ये भी डाइजेस्टेंट करके काम करते हैं बाइल सॉल्ट इंक्रीज द फ्लो एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल एंड हेंस आर टर्म एज कोलेरेटिक्स कोलेरेटिक्स इसे बोलते हैं तो बाइल सॉल्ट जो है ये जब भी पेशेंट कोई कंज्यूम करता है तो ये क्या करता है बाइल सॉल्ट ये बाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है उसका फ्लो बढ़ाता है इसलिए बाइल सॉल्ट को बोलते हैं कोलेरेटिक्स और इसके प्रिपरेशन जो है ये ऑक्सबाइल एक्सट्रैक्ट टैबलेट है इसके बाद डीहाइड्रोकोलिक एसिड टैबलेट है उसके बाद सोडियम डीहाइड्रोकोलेट इंजेक्शन है तो ये जो फॉर्मूलेशन है बाइल सॉल्ट्स के ये मोस्टली अवेलेबल है मार्केट में ऑक्सबाइल एक्सट्रैक्ट टैबलेट डिहाइड्रोकोलिक एसिड टैबलेट सोडियम डिहाइड्रोकोलेट इंजेक्शन ये यूज़ किए जाते हैं जिन्हें भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है उसके बाद आते हैं फ्लोरैन टायरोज ये क्या है ये सिंथेटिक एजेंट है और ये बाइल का फ्लो बढ़ाता है बट बाइल इज ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड हेंस द ड्रग इज नोन एज हाइड्रा क्लोरेटिक्स तो ये जो सिंथेटिक एजेंट है ये बाइल का बढ़ाता है बट ये जो बाइल स्टिमुलेट करता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है बहुत ही लो होता है मीन ये इसका जो डेंसिटी होता है बहुत ही कम होता है जिसके वजह से इसे बोलते हैं हाइड्राक्लोरेटिक्स उसके बाद आते हैं टकाडिया स्टेस। टकाडिया स्टेस ये जो है ये एंजाइम है और ये एक फंगस से मिलता है और ये जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे ज़्यादा काम करता है तो टका डियास्टेस जो है ये एंजाइम फंगस से मिलेगा और फंगस वाला जो ये एंजाइम है जब कोई पेशेंट कंज्यूम करेगा और जिसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम है उसे ये टकाडियाटेस एंजाइम का फॉर्मूलेशन दिया जाता है जो कि एंजाइम है और जो कि टाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को तो ये भी काम करता है एज अ डाइजेस्टेंट तो जिन्हें भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता उसमें एंजाइम दिया जाता है तो ये हो गई सेकंड कैटेगरी अभी थर्ड कैटेगरी वेल नोन कैटेगरी है बहुत ही कॉमन ड्रग्स है फार्माकोग्नोसी में आपने देखे होंगे कार्मिनेटिव तो कार्मिनेटिव जैसा ही नाम आता है तो सीधा उसका डेफिनेशन हमें याद आ जाता है कार्मिनेटिवस आर द ड्रग्स यूज टू एक्सपेल गैस फ्रॉम स्टमक और इंटेस्टाइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लैटुलेंस एंड इन कोलिक्स तो कार्बिनेटिवस ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि जीए ट्रैक में और स्टमक में और इंटेस्टाइन में जो भी गैस फॉर्मेशन हुआ है उसे बाहर निकालने का काम जो है ये कार्मिनेटिव करते हैं तो स्पेशली जिन्हें फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम होता है जिनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है या फिर कोलिक्स का प्रॉब्लम जिसे है उनके भी इसमें ज़्यादा गैस बनता है ऐसे इसमें कार्बिनेटिव ड्रग्स यूज़ करते हैं वो जो भी गैस बन रहा है हमारे जी आई ट्रैक में वो बाहर निकालने का काम जो है कारमिनेटिव्स करते हैं मोस्ट ऑफ दिस ड्रग्स आर एरोमेटिक वोलाटाइल ऑयल तो जैसा कि हमने कोग्नोसी में पढ़ा है बहुत सारे जो नेचुरल ओरिजिन के ड्रग है उसमें वोलाटाइल ऑयल्स है अब ये वोलाटाइल ऑयल्स क्या होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे भी इवापरेट होते हैं उसे हम वोलाटाइल ऑयल बोलते हैं तो जो भी वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग हर्ब्स है या फिर फॉर्मुलेसन है वो यूज होते हैं एज अ कार्मिनेटिव दे एक्ट्स बाय माइल्ड इरिटेशन दे आर बाई इंक्रीज द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी एंड कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ पिंचर तो ये जो है ये वोलाटा ऑयल ये माइल्ड इरिटेट करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को जिसके वजह से उसका मोटेलिटी बढ़ जाता है और अल्टीमेटली जो भी गैस है जी आई ट्रैक में वो बॉडी से बाहर निकल जाता है दे प्रोड्यूस द फीलिंग ऑफ वार्क इन स्टमक तो जो भी कार्बोनेटिव हम कंज्यूम करते हैं वो स्टमक में एक गर्माहट प्रोड्यूस करता है और हमें फील होता है कि भाई पेट के अंदर कुछ गरम गरम फीलिंग आता है तो ये कार्बनिड्रोस का प्रॉपर्टी है बट इसका एक खास बात है कि ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता नहीं है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसके वजह से इसके लेस साइड इफेक्ट है अब हमारे इंडियन फूड में वेरियस स्पाइसेस है कंडीमेंट्स है जो कि एक्ट करते हैं एज अ कार्मिनेटिव तो उसमें कार्डेमोम है इलायची जिंजर है फनेल है ऐसा फोर्टिटाहिंग है सिन्नेमोन है क्लो है कोरिएंडर है ये सभी कार्मिनेटिव है इसमें सभी वोलेटाइल ऑयल्स है जो कि जो भी जीआई ट्रैक में गैस फॉर्मेशन हुआ है उसे बाहर निकालने का काम करते हैं इसके अलावा जो ग्राइप वाटर्स मार्केट में मिलते हैं जो कि बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं जिन जो बच्चों का पेट दर्द देता है ड्यू टू गैस फॉर्मेशन तो ग्राइप वाटर में ये कारडामोम जिंजर फोनेल असाफोटिडा ये सब होता है इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है ये सभी इंग्रेडिएंट ग्राइप वाटर में होते हैं और वो भी कार्बिनेटिव करके काम करते हैं इन केस ऑफ इन्फंट तो इन्फंट जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ग्राइफ वाटर में ये नेचुरल इंग्रेडिएंट और सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ कार्बिनेटिव करके दिया जाता है ऑल दो गिव्स गिव सिम्टोमेटिक रिलीफ तो कार्मिनेटिव जो है ये सिमटोमेटिक रिलीफ देता है मीन्स किसी को गैस का प्रॉब्लम हो गया है मीन्स उसे सिम्टम देख रहे हैं कि भाई पेट जो है ये उसमें टाइटनेस आ गया है एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रहा है मीन्स पेट जो है पूरा भरा भरा सा लग रहा है तो ऐसे जो सिम्टम्स है उसमें रिलीफ दिलाने के लिए कार्बेनेटिव काम करते हैं बट जो है फ्लैटुल डिस्पेप्सिया ये जो है ये दूसरे चीज़ों की वजह से भी होता है जैसा कि पेप्टिक अल्सर बाइलरी ट्रैक्ट डिसीज एलिमेंट्री ट्यूमर्स इस चिमिक हार्ट डिसीज़ तो इसके वजह से भी जो है फ्लैचुलेंस और फॉर्मेशन ऑफ गैस जो है ये होता है तो कार्मिनेटिव ऐसा कंडीशन में काम नहीं करता है बस जो गैस फॉर्मेशन हो रहा है उसे ही बाहर निकालने का काम जो है वो कार्मिनेटिव करता है बाकी ये सब चीज़ें हैं ये वाया सर्जरी और वाया मेडिसिन ही दूर हो सकती है इसमें कार्बिनेटिव में सिंथेटिक कैटेगरी में आता है मिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन जिसे साइमिथिकॉन और डायमिथिकॉन भी बोलते हैं तो मिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन इज यूज्ड इन द सिमटोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ फ्लैटुलेंस तो साइमिथिकॉन और जो डायमिथिकॉन है ये भी सिंथेटिक कैटेगरी का ड्रग है और ये यूज होता है फॉर फ्लैटुलेंस जो भी गैस फॉर्मेशन हो रहा है स्टमक में और जी आई ट्रैक में उसे निकालने का काम सीएम साइमिथिकॉन और डायमिथिकॉन करते हैं इट इज सपोज टू एक्ट एज अ डिफोमिंग एजेंट दस अलाउिंग ईजी एस्केप ऑफ गैसेस फ्रॉम जी आई ट्रैक तो ये जो है डिफोमिंग एजेंट करके काम करता है जिसके वजह से जो भी जीआई ट्रैक में गैस फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत ही इजीली बॉडी के बाहर निकलती है और जी आई ट्रैक के बाहर निकल जाती है इसका फोर्टी एमजी का टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है इसके बाद आते हैं हम एपिटाइट सपरेटर सप्रेसेंट्स और एनोरेक्सियंट। तो सबसे पहला कैटेगरी याद कीजिए हमने एपिटाइजर देखे थे मीन जो भूख बढ़ाते हैं अब हम देखेंगे जो भूख कम करते हैं ऐसे ड्रग जिसे हम एनोरेक्ट भी बोलते हैं ओबेसिटी इज डिस्करेज इन मॉडर्न सोसाइटी फॉर सोशल एज वेल एज मेडिकल रीजन तो ओबेसिटी जो है ओबेस पर्सन जो है ये मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा सा डिस्करेजिंग है मीन्स जो भी पर्सन जो है उस हद से ज़्यादा उसका अगर वेट है तो सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी बोलते हैं अरे भाई ये कितना मोटा है और ये कितना फैट है तो वो जो पर्सन है जो भी ओबेस पर्सन है उसे बहुत बुरा लगता है इसके अलावा सोशल तो है बट मेडिकल रीज़न्स भी है मेडिकल रीजन जिसका बहुत ज़्यादा वेट होता है उसे बाकी के हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं तो ओबेसिटी जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इससे फाइट करना ज़रूरी है जिसे भी वेट जिसका भी वेट बहुत ज़्यादा है उसने जो है अपने वेट पे कंट्रोल करना चाहिए अब वो कैसा करना चाहिए वो हम आगे देखते हैं द इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस हाइपर टेंशन एंड पेक्टोरिस आर द हायर इन ओबेस पर्सन तो ये मेडिकल रीज़न है कि भाई जो भी ओबेस पर्सन होता है उसमें डायबिटीज मेलाइटिस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है हाइपरटेंशन होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है इसके अलावा हार्ट रिलेटेड डिसीज रिलेटेडोरिस भी होने का बहुत ज्यादा चांस होता है एक्सेप्ट सर्टेन एंडोक्रिनल डिस्टर्बेंस द एटियोलॉजी ऑफ ओबेसिटी इज नॉट नोन तो कुछ एंडोक्रीनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ओबेसिटी होता है बट इसके अलावा दूसरी ओबेसिटी जो होती है उसका एक्चुअल कॉज अभी तक के पता नहीं है तो ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइट तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइट मींस कम कैलोरीज़ वाला अगर खाना ओबेस पर्सन खाता है तो धीरे धीरे वो फैट पर्सन का जो वेट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा वो कैलोरीज़ अगर कम खाएगा तो अल्टीमेटली उसके बॉडी में कैलोरीज़ कम होगी फिर बॉडी जो है जो स्टोर्ड कैलोरीज़ है और जो स्टोर्ड फैट है उससे कैलोरीज़ जनरेट करेगी और अल्टीमेटली फैट बर्न होगा और ओबेस पर्सन का वेट जो है धीरे धीरे कम होगा तो ये फर्स्ट स्टेप है उसके बाद The dieting should not be considered as a course of treatment, but it's a lifelong measure to be followed. तो so, हमें जो है dieting जो है ये as a course of treatment करके consider नहीं करना है but is a lifelong as a routine करके हमें follow करना है अगर हम exercise नहीं करते हैं diet properly control नहीं करते हैं excessive eating करते हैं तो हमें ओबिसिटी डेफिनेटली होगा तो डाइटिंग जो है ये जो है एज अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट कंसीडर नहीं करना है बट इसको हमें एज अ हैबिट करके एडोप्ट करना है जिसके वजह से हम रेगुलरली कम खाएं जितना ज़रूरी है उतना ही खाएं एक्सरसाइज प्रॉपरली करें जिसके वजह से हमारा जो बॉडी वेट है वो प्रॉपरली मेनटेन रह सके डाइट शुड बी लो इन कैलरी कंटेंट तो इससे पहले मैंने बताया था रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइट मीन्स जो डाइट हम ले रहे हैं उसमें कैलरीज कम हो जिसके वजह से जिसका ओवरवेट है और जो भी ओबेस पर्सन है उसमें जो फैट है वो फैट में से कैलरी जो है यूटिलाइज करे बॉडी और वो फैट बर्न हो और जिसके वजह से वेट लॉस हो इन सर्टन केस द एजेंट कॉल्ड एपीटाइट सप्रेशन में हेल्प पेशेंट टू एडजस्ट हिमसेल्प टू हिज प्रिस्क्राइब डाइट तो डाइट तो एक पार्ट हो गया बट कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पर एपीटाइट सपरेशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं और वो पेशेंट को हेल्पफुल भी रहता है टू रिड्यूस इट्स वेट और टू रिड्यूस हिज वेट तो उसका वेट कम करने के लिए एपिटाइट सप्रेशन भी हेल्प करता है अलोंग विथ डाइट रिस्ट्रिक्शन क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं फर्स्ट आता है एम्पिटामिन एंड रिलेटेड कंपाउंड उसके बाद बल्क एनोरेक्सियंट और थर्ड आता है मिसेलिनियस ड्रग तो एम्फिटामिन इसमें मेन ड्रग है द एनोरेक्जियंट इफेक्ट इज रिलेटेड विद देयर स्टिम्युलेंट इफेक्ट ऑन हाइपोथैलमिस तो एम्फिटामिन जैसा कि हमें पता है कि ये सी एन एस स्टिम्युलेंट ड्रग है और स्पेशली हाइपोथैलिस को स्टिम्युलेट करता है जिसके वजह से इसका एनोरेग्जियंट इफेक्ट और एपिटाइट सप्रेशन इफेक्ट हमें पेशेंट में दिखता है द एग्जैक्ट मेकेनिज्म ऑफ एपिटाइट सप्रेशन इज नॉट नोन तो ये जो है एम्फिटामिन ये कैसा एपिटाइट सप्रेस करता है इसका मेकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक के पता नहीं है ड्रग में प्रोड्यूस एक्साइटमेंट एजिटेशन इंसोमनिया समटाइम्स साइकोटिक रिएक्शन विथ हेल्यूसिनेशन तो ये एम्फिटामिन जो है ये सी एन एस स्टिम्यूलेंट है मीन्स सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है अल्टीमेटली अलर्टनेस बढ़ाता है फोकस बढ़ाता है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है जिसके वजह से जो पेशेंट है वो फटीक महसूस नहीं करता थका हुआ महसूस नहीं करता वो ऑल टाइम एक्साइटेड रहता है उसकी नींद उड़ जाती है और वो हमेशा सोच में रहता है वो कोई ख्यालों में खोया हुआ रहता है मीन्स उसका ब्रेन जो है एक्साइटमेंट कंडीशन में चला जाता है तो ये है एम्पिटामिन का काम तो ये भी एज अ एनोरेग्जियंट और एपिटाइट सप्रेशन करके भी काम करता है द मेजर ड्रॉबैक इज डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस एंड ड्रग डिपेंडेंस तो ये जो ड्रग है ये सीधा दिमाग में घुस जाता है और अगर ये दिमाग में घुस जाता है तो अल्टीमेटली दिमाग फील गुड सॉरी दिमाग जो है ये इसको गुड फीलिंग होता है कि भाई ओ अभी मेरे को एनर्जेटिक लग रहा है मैं क्या करूँ कौन सा काम करूँ यानी फुल कंसंट्रेशन में एक्साइटमेंट में चला जाता है और इसी की आदत जो है पेशेंट को पड़ती है और फिर वो जहाँ पे 100 एम समझ लीजिए एम्पिटामिन ले रहा है तो उसे फिर एक्साइटमेंट रहता नहीं है कुछ दिनों के बाद सौ एम का उसके बाद वो दो सौ लेता है फिर कुछ दिन के लिए एक्साइटमेंट रहता है फिर वो भी टॉलरेट हो जाती है उसकी बॉडी फिर 300, 400 तो ऐसा करते करते टॉलरेंस डेवलप होता है और उसके वजह से एम्पिटामिन एक ऐसा कंडीशन पे आ जाता है कि टॉक्सिक डोज भी पेशेंट कंज्यूम करने लगता है और अगर ये एम्पिटामिन पेशेंट अगर बंद कर देता है कंज्यूम करना तो उसमें ड्रग डिपेंडेंस भी दिखता है ड्रग डिपेंडेंस मींस अगर उसे वो ड्रग नहीं मिल गया तो वो विड्रॉल सिम्टम शो कर सकता है तो यहां पे हमारा चैप्टर थर्टी खत्म इफ